उत्तर की जनता कॉलोनी में होटल संचालक दंपति का हत्यारोपी बेटा तरुण पुलिस के हाथ लग गया है। तरुण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था, जो लगातार छापामारी कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने 2 दिन बाद आरोपी को काबू कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार लोहबच ने बताया कि दंपति को गोली मारने के बाद तरुण सीसीटीवी में गेट से निकलता हुआ दिखाई दिया था, जो काफी तेजी में था। पुलिस 2 दिन से इसे ढूंढ रही थी। रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार तरुण ने 2 अलग अलग पिस्टल से दोनों को मारा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पिस्टल यूपी से ली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि जनता कॉलोनी में होटल मालिक चंद्रभान और उनकी पत्नी निशा को मात्र 2 इंच की दूरी से गोली मारी गई है। ये दिनांक 22-23 की रात को जो जनता कॉलोनी है उसमें तारा होटल है, तो वहाँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक तरुण नाम के एक लड़के ने अपने मम्मी और अपने पापा का गोली मार के कत्ल कर दिया। तो ये जो तरुण है ये एक ड्रग एडिक्ट है और जुआ वगैरह के मुकाबले मर्तक हैं चंद्रभान और उनकी जो पत्नी है निशा, उनके बेटे ने ही उनके जानलेवा हथियार से हमला किया है, गोली मार के उनके हत्या की। तो हमने वहाँ मौके पर जो फोरेंसिक हमारी टीम को बुलाया, मौका मुआयना किया और उसके बाद CCTV फुटेज निकाले, तो उसमें ये जो एक्यूज्ड है उनका बेटा, जो बाद में हमने कल शाम रात को इसको काबू कर लिया था तरुण और तन्नू, तो ये गेट बंद करके CCTV फुटेज में बड़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने इस संबंध में अपने जो हमने सोर्स लगाए थे साइबर सेल की हमने हेल्प ली थी। रेलवे स्टेशन के आसपास जो कच्चा बेल रोड है, प्रांत ने अपने पिताजी को गोली मारी है, माँ को एक गोली लगी है और पिताजी को दो। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।